हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो भी 2021 का इंप्रूवमेंट या फिर बैक पेपर देने वाला है, जिसकी भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है वो अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा और 85% प्लस ले लेना वहां से। 85% प्लस याद रखना, 85% प्लस आपको पीडीएफ से देखने को मिलेगा। और जो मैं आपको कोई जिसके पेपर बाय पेपर हो रहा है अलग अलग, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, जैसे कि आपके मैन एग्जाम जिस प्रकार से हुआ था कि अलग पेपर हुआ था, तीनों को एक साथ हुआ था, वही पूरा प्रोसेस वही होगा जो आपका बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट के हिसाब से। ओके, इससे डरना नहीं है आपको। और मैं जो आपको बता रहा हूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उन पे टिक लगा लीजिए आपके बुक नोट्स में। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप या बहुविकल्पीय क्वेश्चन जिसके छात्र के पेपरों में आ रहे हैं, वो अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसका विकास, उसका योगदान क्या है, इस क्वेश्चन को टिक लगाएंगे सबसे पहले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वादा करता हूं कि 85% आपको लेना है ना, तो बस टिक लगा लो बेटा। और एमसीपी और रूरल खंड को तीनों के लिए एक साथ बना दूंगा। वैक्सीन क्या है, उसके वैक्सीन के टाइप कितने होते हैं, जीन क्लोनिंग क्या होती है इस पे देख लीजिए, अनुवंशिक यांत्रिकी क्या होती है जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, इसके बारे में आप याद कर लेंगे। उसके बाद में नीचे जाएंगे और नीचे आता है प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है, प्रतिरोधक शक्ति इसके बारे में आप याद करेंगे। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे शक्ति को क्षमता ही बोल सकते हैं, वो कितने प्रकार की होती है, ये आप पूरा प्रोसेस देखेंगे। और वी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में दोनों में अच्छे तरीके से याद करेंगे, वी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स याद रखना, इसको आपको याद कर लेना है। और यहाँ देखो ये सिद्धांत होता है क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत, इस सिद्धांत को पढ़ लेना, काफी बार पूछा जा चुका है। और उसके बाद में है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी को भी आप याद करेंगे। सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध को याद करेंगे। मानक विचलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मानक विचलन, इसको आप याद करेंगे। और मानक विचलन के अंतर्गत दो चीज आती है, मध्य विचलन वगैरह, इसका मध्य विचलन क्या होता है ये देखेंगे। मानव जीनोम प्रोजेक्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद करके जाएंगे। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको आप पढ़ेंगे। और उसके बाद में आता है प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में, इसको छोड़ दीजिए। और ये आपका पॉलीश्रृंखला अभिक्रिया जिसे हम PCR कहते हैं, तो ये आप PCR आपसे पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, पॉलीमरेज़ श्रृंखला अभिक्रिया, इसको आप याद करेंगे। डीएन फिंगरप्रिंट्स क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। उसके बाद में जीन बैंकिंग को छोड़ दी, जीन बैंक पढ़ लो। जीन बैंक को हम जेनेटिक लाइब्रेरी भी बोलते हैं, ये दोनों नाम से आ सकता है, आपको डरना नहीं है। उसके बाद में आपको देखिए मध्य, मध्यका और बहुलक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, यहाँ आपको देखिए है हिस्टोग्राम क्या होता है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, और ओविक जो कह सकते हैं, ओगिप, ओगिप क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे। और उसके बाद में लास्ट में हम देखना पड़ेंगे, देखिए ये याद कर लेना, जो होता है एसडीएस फेज। ठीक है, एसडीएस फेज क्या होता है ये, इसके बारे में आप याद करेंगे तो पढ़ेंगे। और उसके बाद में देखिए पीएच मीटर क्या होता है, कभी कभी शॉर्ट में आपसे पूछ लेता है पीएच मीटर के बारे में, ये देख लेंगे। और आंकड़ों का संग्रहण का संक्षेपण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये आप अपना इतना आप पढ़ के जाएंगे, बाकी यहाँ से कुछ और देखने की जरूरत नहीं होगी। सेफ्टोडेक्स क्या होता है, इसको छोड़ दीजिए। और हाइड्रोवन तकनीकी, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी सिद्धांत, देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी सिद्धांत क्या होता है, इसको आप पढ़ लेना एक बार, पढ़ने में कुछ नहीं जाता है, आप बना बना के लिख के आना है। देखिए याद रखना, आपको यदि नहीं भी आ रहा है ना, तो आप बना बना के लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रकाश व्यतिक्रमापी क्या होता है, ठीक है, विक्रमापी क्या होता है, प्रकाश विक्रमापी, ठीक है, इसको आपको देखिए छोड़ के नहीं आ रहा है, चाहे आपको याद हो या ना हो, मुझे पता नहीं है, कॉपी आप पूरी भर के आएंगे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ से आपको 85% मिल जाएगा, इतने क्वेश्चन आप पढ़ चले जाते हो एक पेपर के लिए। तो बाकी एमसीपीआरए रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए मैं तीनों पेपर एक साथ बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, बस जो अभी बता रहा हूँ उतना याद कर लो। थैंक यू, लव यू, धन्यवाद।